नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। नए साल के आवागमन पर ओली के पर्यटकों का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। जोशी मठ ओली में सभी होटल बुक हो गए हैं और नए साल के आवागमन पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिना परमिशन के किसी भी होटल जश्न नहीं मनाया जाएगा और नए साल में जाम ना लगे इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है और जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। रामायण रिसर्च कौंसिल के जुड़े साधु संतों द्वारा बिहार के पौराणिक तीर्थ स्थल सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित कराई जाएगी। लगभग 12 एकड़ जमीन पर स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई 151 फीट होगी और इसके साथ ही अष्ट धातु से मूर्ति का निर्माण कराया जाएगा। हरिद्वार के जूना अखाड़े में प्रेस वार्ता कर साधु संतों ने इसकी जानकारी दी। संतों ने बताया है कि आगामी 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता सीता की मूर्ति स्थापना के कार्य का शिलान्यास करेंगे और देश के तमाम बड़े संतों की उपस्थिति में भव्य शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2023 में माता सीता की एक ज्योत यात्रा की निकाली जाएगी और यह यात्रा भारत में मौजूद सभी 51 शक्तिपीठों से होकर जाएगी और वहीं की मिट्टी, जल और ज्योत लेकर सीतामढ़ी में स्थापित मूर्ति पर चढ़ाया जाएगा। लक्ष्य में करीब 10 साल पहले लाखों की लागत से नगर पालिका प्रशासन के द्वारा रैन बसेरा भवन बनाया गया था, जिससे बाहर से आने वाले आगंतुकों के रैन बसेरे में ठहरने की सुविधा मिल सके और इसके साथ ही वहां अपनी रात गुजार सके। लेकिन लक्सर में बना रैन बसेरा भवन आज शोपीस बना हुआ है और इस भवन में नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और लक्सर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरा भवन में ताले लटके हैं। आपको बता दें कि आज हमारे द्वारा लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल से रैन बसेरा में लटके ताले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जिसकी लापरवाही के चलते रैन बसेरे के भवन में ताले लगाए गए हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। रैन बसेरा के भवन को लोगों के लिए आज ही खुलवा दिया गया है। इसमें मेरे द्वारा युवक को निर्देशित किया गया था, उन्होंने लिखित रूप में एक व्यक्ति की इसमें चौकीदार के रूप में ड्यूटी लगाई हुई है और उसका आदेश भी मेरे पास पड़ा हुआ है और वो व्यक्ति किस कारण से ताला लगा करके गया या यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इस संबंध में युवक से जानकारी ली जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जो इसके लिए नियुक्त किया गया लापरवाही अगर बरत रहे हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की। लक्सर में अवैध खनन माफिया लगातार सक्रिय हैं। अवैध खनन जोरों पर है और 24 घंटे अवैध खनन किसी भी जगह देखा जा सकता है। लक्सर तहसील प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर की जा रही कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए लक्सर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के जाते कुछ वाहनों और अवैध खनन करते एक जेसीबी मशीन को भी पकड़ लिया है, जिसके बाद खनन माफियाओं में अफरा तफरी मच गई है और कुछ समय के लिए खनन पर रोक लग गई है। लेकिन अवैध खनन पूरी तरह नहीं रुक पाया है। लक्सर उप जिलाधिकारी के अनुसार अवैध खनन पर नजर रखने के लिए राजस्व प्रशासन की टीम बनाई गई है जो अवैध खनन करने वालों पर नजर बनाए हुए है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीती रात भी अवैध खनन पर वाहन करते हुए वाहनों को पकड़ा गया है और इसके साथ ही एक जेसीबी मशीन को भी अवैध खनन करते पकड़ा गया है और सभी के खिलाफ अवैध खनन में कार्रवाई की गई है। जो भी अवैध खनन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने निजी खर्चे पर लक्सर तहसील के जैनपर गांव में पहुंचकर दिव्यांगों को कंबल वितरित किए हैं और लक्सर उप जिलाधिकारी के अनुसार क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। दिव्यांग लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरित किए गए हैं। लक्सर उप जिलाधिकारी ने बताया कि ये कंबल उन्होंने अपने निजी खर्चे पर वितरित किए हैं। पुर गांव में परवेज जी जो कि दिव्यांग व्यक्ति हैं और ये मेरे ऑफिस तक पहुंचे थे और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके गांव में लगभग 20-21 दिव्यांग जन हैं और जिनको इसमें कंबल की अत्यंत आवश्यकता है, तो स्पेशली प्रयास करके इस गांव में जो दिव्यांग जन थे उनको यहां पर बुलाया गया और 21 लोगों को यहां पर कंबल वितरण किया गया है और ताकि इन लोगों को सर्दियों में राहत मिल सके। चमोली जिले के नारायण बगड़ प्रखंड में चारा पत्ती लेने जंगल गई महिला पर घात लगाए भालू ने अचानक हमला कर दिया और बुरी तरह से महिला को घायल कर दिया। बता दें आपको कि दूसरी महिला के हल्ला मचाने के बाद ही बची महिला की जान बची है, लेकिन अभी भी महिला जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। महिला अस्पताल पहुंचाया गया है जिसको और जहां पर उसकी प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बुधवार को प्रखंड के किमोली गाँव की 47 वर्षीय भागा देवी पत्नी धीरीलाल गांव की अन्य महिलाओं के साथ गांव से 3-4 किलोमीटर दूर पंचगढ़ के जंगल में अपने मवेशियों के लिए चारा पत्ती लेने गई थी और जंगल पहुंचकर महिलाएं अलग अलग हो गई और जंगल में पहले से घात लगाए बैठा भालू ने अचानक भागा देवी पर हमला कर दिया जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हुई है। और डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी ने बताया है कि महिला को भालू ने बुरी तरह से घायल कर रखा था और महिला का प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र में ही इसको लेकर जगजीत सिंह नेगी और भुवन चंद्र पुरोहित स्टाफ नर्स, अर्जली स्टाफ नर्स अरुण आदि ने महिला के उपचार में सहयोग दिया है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर ऋषिकेश पुलिस ने कमर कस ली है और किसी भी प्रकार के हुड़दंग को रोकने और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर पार्टी का आयोजन करने वाले संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले रात 12:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है और समय सीमा के बाद आयोजित होने वाली पार्टियों में मौजूद लोगों और संचालकों पर जहां पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी वहीं शोरगुल करने वाले डीजे को भी जब्त कर लेगी। पुलिस ने संचालकों से पार्टियों में शराब पीने पिलाने का दौर भी बंद रखने की अपील की है। पार्टियों में शांति व्यवस्था बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस के संचालकों को सौंपी है और पुलिस का दावा है कि न्यू ईयर पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। और इस संबंध में सीओ ऋषिकेश ने क्या क्या जानकारी दी है आप भी सुनिए। 31 न्यू ईयर को लेकर के हमारी चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था है। हमने ड्यूटी चार्ट बना लिया है। हर चौराहे पे, हर उस स्पॉट पे हमारी जहां पर पूर्व में हुड़दंग होने की संभावना रहती थी, सारे आयोजकों की बुला करके हमने मीटिंग कर ली है और जो कुछ रह गए हैं उनकी कल मीटिंग आउट की गई है। उन सबको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि रात्रि में, देर रात के बाद जब न्यू ईयर जैसे शुरू होगा उसके बाद 12:30 बजे के बाद में कहीं भी कोई डीजे या कहीं कोई किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाया जाएगा। रास्ते में ये सारी जिम्मेदारी आयोजकों पे है कि वो अपने यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें। हरिद्वार के सिडकुल और बहाराबाद 4 लेन पर बेहतर तीव सड़कों पर खड़े कमर्शियल वाहन कोहरे से दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। बता दें आपको कि सिडगुल की कंपनियों की छुट्टी होने और ड्यूटी पर जाने के दौरान कामगार सड़कों पर खड़े वाहनों की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और सिडगुल एसोसिएशन भी परिवहन विभाग में ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख चुकी है और ARTO ई रश्मि पंत ने भी ऐसे वाहनों के खिलाफ सिडगुल के ABB चौक पर आज कार्रवाई की है। बता दें आपको कि सिडगुल में
छोटे बड़े 800 से अधिक उद्योग हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले अधिकतर वाहन सड़कों के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। कमर्शियल वाहनों के कारण सुबह शाम ड्यूटी जाने आने के समय सड़क पर जाम लगा रहता है और पुलिस से शिकायत करने के बाद भी ट्रक चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। आपको बता दें, इसको लेकर वाहनों को बेहतरीन तरीके से खड़े करने को लेकर लगातार समझाया जा रहा है और इसका नतीजाजनक सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले शनिवार को और अभी भी हम लोग वहीं रोड से आ रहे हैं। अभी रोड काफ़ी खाली हो चुकी है। हमने जो वाहन स्वामी हैं उनको ये अवगत करा दिया है कि ये जो रोड्स हैं ये वाहनों को पार्क करने के लिए नहीं है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा हो रही है, इसलिए सड़कों को रोड के बजाय जो उनकी निर्धारित पार्किंग है वहाँ पर पार्क करें। और इसके अलावा अगर कोई भी गाड़ी खड़ी पाई जाती है नो पार्किंग में तो उसका हम लोग चालान भी कर रहे हैं। हरिद्वार जिला अधिकारी के आदेश के बाद हरकत में एचआरडीए के अधिकारियों के कड़े तेवर से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर अवैध रूप से काटी गई कई कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कई अवैध निर्माणों और अवैध प्लांटिंगों के खिलाफ काटे गए चेतवानी नोटिस भी दिए गए हैं और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के आदेश के बाद एचआरडीए की कड़ी चेतावनी नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है, बिना नक्शा पास कॉलोनी काटने वाले और बिना नक्शा पास अवैध निर्माण कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी एक दिवसीय दौरे पर कोटावर पहुंचे और जहां उन्होंने संगठन विस्तार और संगठन कार्य की जानकारी कार्यकर्ताओं से प्राप्त की और साथ ही आगामी कार्यक्रमों की जानकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दी है। और मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि अगले साल भारत तिब्बत सहयोग मंच को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस अवसर पर तिब्बत की निर्वासित सरकार की राजधानी धर्मशाला हिमाचल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है जिसके लिए पूरे देश भर से भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता और तिब्बत की आजादी के समर्थन जुटेंगे और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी से ही मंच के कार्यकर्ताओं को जोर शोर से कार्य करना होगा। और इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विपिन कैंथोला और प्रदेश महामंत्री हेमेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री धर्मवीर सिंह गोसाई और मंच के महानगर अध्यक्ष कुलदीप रावत और रानी नेगी, शशि बाला कस्टोप और इसके साथ ही अर्चना शर्मा, कमलेश कोटनाला और मुन्ना लाल मिश्रा, नरेंद्र चौहान आदि शामिल होंगे। तो पौड़ी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर अनिल चौधरी पहुंचे और जहां पर धर्मशाला हिमाचल में बताया जा रहा है कि हिमाचल में ही उनका बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरे का निरीक्षण किया और इस दौरान यहां लोगों से भी वार्ता की है और साथ ही नगर क्षेत्र के अलाव की स्थिति भी जानी है। बता दें आपको कि बुधवार को उन्होंने सीसीआर के समीप पुरुष और महिला रैन बसेरे का निरीक्षण किया है और इस दौरान रैन बसेरे में रह रहे लोगों से वार्ता की है। डॉक्टर अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा है कि खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को रैन की जानकारी दें और इसके लिए स्लोगन बोर्ड भी लगाए जाएं जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को रैन बसेरा उपलब्ध हो सके। सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 20 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और इस पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अलाव की व्यवस्था को सुचारू रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी मैं सीसीआर के बाद जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे, 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई, क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई
साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं SMA नगर निगम के, उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। सीमेंट व्यापार संघ का स्थापना अमृत समारोह गोमती नगर लखनऊ में मौजूद नक्षत्र लान में प्रदेश के ही कई क्षेत्रों के डीलर सदस्यों के साथ संपन्न हुआ, जिसका संचालन दीपक सिंगल द्वारा किया गया है। और समारोह में शामिल ब्रिज बहादुर प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा संजय राय, प्रदेश मंत्री योगेश शुक्ला, विधायक विकेटी ने शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित कर ईश्वर आराधना के बाद ही संयुक्त रूप से सीमेंट को विलासिता के वस्तुओं के से अलग करते हुए अधिकतम दर से बाहर करने और सर्वे छापे से बाजारों में छाए भय को दूर करने और इसके साथ ही कार्यक्रम का अभियान चलाया गया है। विधायक जी, किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या कुछ इसमें? जैसा मैंने बताया आपको, सीमेंट ग्रुप का ये स्थापना दिवस है, आज नवा स्थापना दिवस है और उसी स्थापना दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गोरखपुर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर और उनके साथियों पर मरीज के परिजन ने मारपीट और इसके साथ ही कई आरोप भी लगाए हैं। न्याय की उन्होंने गुहार भी लगाई है। पूरा मामला आपको बता दें कि गोरखपुर जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड का है। पीड़ित शिकरीगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर गाँव के रहने वाले अखिलेश शर्मा ने बताया है कि वो राजघाट पर अपने किसी रिश्तेदार से दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान उनके भांजी को कुत्ते ने काट लिया। आनंद फानन में हम लोग जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी में लगभग 2:40 से 3 के करीब पहुंचे, जहां डॉक्टर अश्वनी कुमार गुप्ता जी मौजूद थे और इस दौरान सुई लगाने से उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि 2 से ऊपर हो गया है, आप लोग कल आइए। हम अपने प्राथमिक उपचार की बात करते हुए डॉक्टर साहब से मौन मनोबल करने लगे तो वो नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे, और जब हमने गाली देने से मना किया तो वो उग्र हो गए और कुछ अन्य लोगों को बुलाकर हाथापाई भी करने लगे और हमको इन लोगों ने मिलकर लात घूसों से जमकर मारा पीटा और इसके साथ ही भद्दी भद्दी गालियां देकर बेइज्जत भी किया है। तो गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक जब वहां पर इलाज के लिए पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की गई है और उसके साथ ही भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में थाना भरथना क्षेत्र के ही अंतर्गत तथाकथित IAS अधिकारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और मृतक युवक खुद को मध्य प्रदेश का IAS अधिकारी बताकर पिछले 1 से किराए के घर में अकेले रह रहा था। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सतपाल सिंह ने बताया है कि थाना भरथना क्षेत्र के ही अंतर्गत कुमारा गांव के ही 54 वर्षीय युवक किरण कुमार सिंह चंदेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, ये यहां पर किरण कुमार चंदेल रह रहे थे 1 से और इनका पारिवारिक संबंध नहीं था। आज सूचना मिली कि इन्होंने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इनका पोस्टमार्टम के लिए सब उतरवा लिया गया है और परिवार को सूचित कर दिया गया है। हरदोई की 52CAHC की एक महिला ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। बताया जा रहा है जिसको देखकर डॉक्टर और परिजन बेहद हैरान हो गए हैं। RBSK की टीम ने CHC अधीक्षक के नेतृत्व में इस बच्चे को चिन्हित किया है, जिसे आपको बता दें कि बताया जा रहा है एक नाम की बीमारी है और जिसको RBSA के तहत इलाज के लिए भेजा जाएगा। बताते चले कि बच्चे के 60% शरीर पर ब्लैकनेस पाया गया है और इसके साथ ही बताया जा रहा
है कि बाल वगैरह उगे हुए हैं और इसके बाद बच्चे को RBS के टीम के तहत चिन्हित कर दिया गया है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 52 पर हुआ। बच्चा वैसे तो माँ की स्वस्थ है, लेकिन उसके शरीर पे लगभग 60% हिस्सा ब्लैक है और बिल्कुल स्किन जो है हार्डेंड है, हार्ड है और बिल्कुल जानवर जैसी चमड़ी होती उस तरीके की है। तो एक्चुअली में ये एक तरीके की बहुत ही रेयर बीमारी है जिसको हम लोग जाइंट कंजनाइटल मेलनोसाइटिक नीवस बोलते हैं मेडिकल भाषा में। नीवस का मतलब है मस्सा, तो ये एक तरीके का ऐसा मस्सा जो कि इतना भारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।